सिवान के इंडोसेंट बैंक के कर्मी से 2,44,000 रुपए लूट का मामला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि कलेक्शन करता जो ईएमआई का पैसा कलेक्ट करते हैं उनका नाम राजीव कुमार है। इनका कहना है कि हम पैसा कलेक्शन करके आ रहे थे कि हाईवे के पास अपराधियों ने हथियार का वह दिखाकर 2,44,000 कैश रुपए का जो बैग था वो लेकर के फरार हो गए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसके बाद की जो कहानी हम दिखाएंगे वो कुछ अलग है। लेकिन पहले हम सुनते हैं कि राजीव कुमार का क्या कुछ कहना है। कैसे क्या हुआ बताइए। आ रहे थे सर भोरे से, भोरे मिश्र बत रहा होते हुए लास्ट 7:30 के आसपास यहाँ पे एक नवोदय विद्यालय के पहले मेन रोड पे बैग स्नेचिंग हुआ है मेरा, जो प्रोफेशनल बैग होता है जिसमें कैश रहता है, मेरा प्रो कलेक्टर रहता है, मशीन रहता है, सारा चीज अथी हुआ। 4 लड़के थे, 2 बाइक से उन्होंने किया, उसी के बाद में आई शिकायत। कौन है? कितना पैसा था? 2.5 लाख के आसपास, 2,44,000 के आसपास था, 2,44,000 400 या 300। किस चीज़ का पैसा था वो? सर फाइनेंस हमारी कंपनी करती है, वो हैवी व्हीकल ट्रक बस ये सर, उसी का ईएमआई था मंथली 4 या 5 किस्त दिन भर में। कौन सी कंपनी है? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड जी। कितने बजे घटना है ये? 7:30 मान के चलिए। कितने की संख्या में लोग थे? 4 की संख्या में था सर, 2 बाइक से 4 की संख्या में। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? थाने को आपने कैसे सूचना दिया? मैंने सूचना नहीं दी, स्पॉट पर ही कुछ लोग जो जुटे थे उनमें से ही किन्होंने थाना को प्रेस में, हम तो सिर्फ अपने बॉस को सूचना दिए थे। मतलब कि घटना सही है जो आप बता रहे हैं? जी जी, घटना 100% सही है। सही है, बिल्कुल सही है। तो आपने सुना, जो कर्मी है इंडोसेंट बैंक के राजीव कुमार, उनका कहना है कि हम कलेक्शन करके आ रहे थे, अपराधी 4 की संख्या में थे, वो मेरा बैग जो कैश से भरा था वो लूट कर ले करके फरार हो गए। लेकिन हम आपको बताते चले कि इसके पीछे का मामला यह है कि 28 जनवरी को राजीव कुमार जो कलेक्शन करता है, ये एक नागेंद्र शाह जो भोरे कराने वाले हैं उनसे 65,000 रुपए वसूल करके और अपने पास रख लिए। बैंक को सूचना नहीं दिए, ना ही किसी को जानकारी दिए और ना ही वो पैसा बैंक में जमा कराए। और एक दूसरा कलेक्शन जो हबीबुल्ला अंसारी, वो सिवान आते हैं बैंक के पास, इनको बुला करके 27,000 रुपए इनको देते हैं, वो भी पैसा ये अपने पास रख लेते हैं, बैंक में जमा नहीं करते हैं। इनका कहना है कि हम उस पैसे को लेकर घर चले गए थे और पार्टी ने कहा था कि आप हमको 2 रोज के बाद जमा कीजिएगा, उसके बाद हमारा चेक वापस दे दीजिएगा। कई तरह की बातें हैं जो इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन जब थानाध्यक्ष ददन सिंह और बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं अखिलेश कुमार, ये दोनों कस्टमर से बातचीत किए, तो कस्टमर के जो बातचीत हुए और जिस तरीके से जो राजीव कुमार इंडोसिंड बैंक के जो कर्मचारी हैं वो जो बात बता रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर के पुलिस और ब्रांच मैनेजर को भी यह संदेह है कि कहीं ना कहीं यह लूट की एक बड़ी साजिश रची गई है। लूट नहीं है, यह कहीं ना कहीं राजीव कुमार की साजिश है, एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। और इस तरीके से 2,44,000 रुपए जो है वो गबन करने को लेकर के इतनी बड़ी साजिश रची गई है। जब पैसा कलेक्ट किया गया था 3-4 रोज पहले, तो राजीव कुमार के द्वारा जमा क्यों नहीं किया गया? और फिर जब अगर घर में पैसे रखे गए थे तो उस कैश रुपए को लेकर के ग्रामीण इलाकों में दूसरे कस्टमर से पैसे लेने के लिए क्यों ये चले गए थे? क्या इन्हें डर नहीं था कि पैसे की लूट हो जाएगी? और उसके बाद जब ये आते हैं तो इनका कहना होता है कि 2,44,000 रुपए की लूट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक हाई वोल्टेज ड्रामा है, एक सोची समझी साजिश के तहत इतनी बड़ी जो घटना है इसे एक बनावटी रूप दिया गया है, एक बहुत बड़ा इसे रूप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगी हुई है और बहुत जल्द इस मामले का पर्दाफाश भी करेगी। लेकिन इस पूरे वाक्य के बाद से जो इंडोसिंड बैंक के ब्रांच मैनेजर अखिलेश कुमार हैं, इनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। एप्लीकेशन दिया हूँ बड़ा बाबू को, मेरा कलेक्शन एग्जीक्यूटिव राजीव कुमार सिंह जो है, राजीव रंजन, इम्प्लाई कोड है R40409। ये मुझे लगभग 7:30 बजे करीब में फ़ोन किया कि सर यहाँ पे 2 बाइक सवार, 2 बाइक पे 4 आदमी कम से कम आए और हथियार दिखा के
पैसा लूट लिए मेरा, जिसमें मेरे ब्रांच का जो कैश कलेक्शन मशीन होता है वो भी मशीन था इसके बैंक में। घटना की सूचना पाकर मैंने घटनास्थल पर खुद गया, स्वयं गया। वहाँ जब गया तो बारा बाबू को भी सूचना दिया गया, तो बारा बाबू भी वहाँ पे अपने फोर्स के साथ आए। उसके बाद लड़का को लेकर अपना गाड़ी में लेकर आए, सारा इन्वेस्टिगेशन किया। लड़का से जो बताया गया कि 65,100 रुपया नागेंद्र शाह से, हबीबुल्ला अंसारी से 27,300 और 1,52,000 आनंद मोहन राय के द्वारा योगेंद्र जायसवाल का पैसा दिया गया है। ये सारा कलेक्शन आज का है। थाने पर जब हम लोग आए तो बड़ा बाबू बोले कि आप कस्टमर के सामने बात करते हैं। जब बात किया गया तो कस्टमर बताया नागेंद्र साहब कि 28 तारीख को मैंने पैसा दिया हूँ, जो कि आज मुझे रसीद मिली है। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, बैंक के द्वारा बैंक में भी कोई जानकारी नहीं थी। मामला संदेहास्पद है। मैंने एप्लीकेशन दिया है बड़ा बाबू को कि अपने स्तर से जांच किया जाए कि हकीकत में चोरी हुई है या कोई संदेह की मामला है। तो आखिरकार मैनेजर साहब 28 तारीख को जो कलेक्शन किया गया 65,100 रुपया, तो जो आपके कलेक्शन करने वाले लड़के हैं वो पैसा अपने पास क्यों रखे? आपको सूचना क्या दिए थे या नहीं दिए थे? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं था। और बैंक में जमा भी नहीं किए? नहीं, बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। तो आपके द्वारा पूछा गया कि पैसा आप, ये बैंक का पैसा आप क्यों रखे हैं? तो मुझे तो जानकारी ही नहीं थी ना कि ये पैसा मेरे पास आई है। आज इनसे पूछे हैं कुछ इनके बारे में? आज इनसे पूछे हैं तो ये बोल रहे हैं कि कस्टमर बोला था कि एक दूसरे खाता में चेक लगा हुआ है, वो बाउंस मतलब होगा तब रसीद काटने के लिए बोला था। तो फिर कस्टमर से बात हुई? कस्टमर से बात किया तो कस्टमर डिनाई कर रहा है, बोल रहा है गलत बात है। तो क्या लग रहा है कि अब आपको कुल मिला जुला करके सब कुछ मामला तो लगभग क्लियर है, कस्टमर से बातचीत हो गई, अब आपको क्या लग रहा है, अपने नजरिए से क्या लग रहा है? अब ये मामला को तो बारा बाबू के पास दे दिया गया, थाना में दे दी गई है। बारा बाबू अपने स्तर से चेक करेंगे कि आखिर हकीकत है क्या, इम्प्लाई गलत है या सही में इसके साथ। आपको क्या लग रहा है, लूट वाकई में है या कुछ मामले को इधर उधर किया जा रहा है आपके स्टाफ के? 65,100 के लेकर तो कह नहीं सकते जी। यदि 65,100 का रसीद दे दिन कट गया रहता उस दिन तो मैं विश्वास कर सकता था कि ये हुआ है, लूट हुआ है। लेकिन इम्प्लाई बोल रहा है कि लूट हुआ है मेरा, और वहाँ जो दो आदमी थे, मैं जब गया पर वहाँ पर तो कोई पत्रकार भी था एंडिट जी। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है आगे, आप लोग क्या कर रहे हो अब इसके लिए? इसके लिए मैं थाने में एप्लीकेशन दिया हूँ, तो वहाँ पे एनडीटीवी के पत्रकार जो थे वो बोले कि ये चिल्लाने लगा, तो हम लोग आए तो देखे कि इसका अब क्या हकीकत है, छानबीन में ही पता चल सकता है। अपना नाम बता दीजिए। अखिलेश कुमार सिंह। ये तो पैसा की जानकारी 65,100 की मुझे नहीं थी, नहीं दिया गया, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। ये तो बड़ा बाबू का काम है अपने स्तर से इसके छानबीन, इम्प्लाई को पकड़े और किस मतलब कस्टमर से बात करे, अपने स्तर से छानबीन करे, वो तो बैंक अपने स्तर से इनके ऊपर कार्रवाई करेगी ही करेगी कि आपने 65,100 रुपया लिया तो अभी तक रसीद क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं जानकारी दी मुझे। और बैंक कभी नहीं बोलती है किसी कस्टमर का बिना रसीद का पैसा लीजिए। अब इस पूरे मामले पर दोनों लोगों की बातों को आपने सुना। दोनों लोगों की बातें जिस तरह से सामने आ रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजीव कुमार की ही साजिश है और इस बड़ी लूट की एक साजिश रची गई थी। एक ड्रामेटिक अंदाज से राजीव कुमार ने पुलिस और बैंक के कर्मियों को, अधिकारियों को जानकारी दी। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, काफी गहनता के साथ तहकीकात भी कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मुफस्सिल थाना के जो थानाध्यक्ष है ददन सिंह, उनके द्वारा इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। क्या इसके पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड है, तमाम मामलों का खुलासा बहुत जल्द कर दिया जाएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लिसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, चार अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टेक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, जेआर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सी अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जीवा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744।